नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुख करेंगे फटाफट खबरों की ओर। केंद्र समेत देश के कई राज्यों में सत्ता चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, हमें हर संप्रदाय का समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा कैसे की जा सकती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी आगे बढ़ाई जा सकती है। पीएम ने कहा कि वो बीजेपी के घोर विरोधी हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। पद्म पुरस्कार को लेकर हमारी सरकार ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। जिसके पैर में जूते तक नहीं है उसे पद्म पुरस्कार मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि केरल बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाते हैं, वंशवाद और परिवारवाद का क्या हश्र हुआ, ये नया भारत देख रहा है। स्थानीय पार्टियां भी एक परिवार और कुछ लोगों की पार्टी बनाकर रह गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल गलत नैरेटिव खड़े किए जा रहे हैं। सीएए, कृषि कानून और लेबर लॉ को लेकर लोगों को बरगलाया जा रहा है, इसके पीछे सोची समझी साजिश है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने में लगी है। नए कृषि कानून से लेकर बाकी कई योजनाओं के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी ने 3 तलाक को खत्म किया, घर की रजिस्ट्री में महिलाओं को प्राथमिकता दी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया, लिखा कि स्थापना दिवस पर संगठन के हर कार्यकर्ता को शुभकामनाएं। ये यात्रा अनगिनत कार्यकर्ताओं और मार्गदर्शकों के समर्पण और बलिदान का फल है। महम नगर पालिका कार्यालय में बीजेपी ने स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमशेर ने शिरकत की। रेवाड़ी में बीजेपी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने शिरकत की। बनवारी लाल ने बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद सत्ता का सुख भोगना नहीं है बल्कि जनता की सेवा करना है। फरीदाबाद में जगह जगह बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत अजरौंदा मंडल में सेक्टर 16 में बीजेपी का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बीजेपी नेताओं ने विधायक के साथ मिलकर पार्टी का ध्वज लहराया। भिवानी में विधायक घनश्याम सर्राफ ने अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ स्थापना दिवस मनाया। पार्टी का झंडा फहराया गया और लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। विधायक ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी दक्षिण भारत में भी अपना परचम लहराएगा। पंचकुला में बीजेपी ने स्थापना दिवस मनाया। पीएम मोदी के संबोधन को कार्यकर्ताओं ने लाइव सुना। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल समेत असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में आज विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बंगाल में तीसरे चरण के दौरान बीजेपी के स्वप्न दास गुप्ता, टीएमसी की अशिमा पात्रा और सीपीएम के कांति गांगुली की सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल 31 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। असम में तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण में हिमंत बिस्वा समसा समेत 337 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में सील हो जाएगा। पीएम मोदी ने 5 राज्यों के मतदाताओं से की ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील। ट्वीट किया कि वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत करें। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दिल्ली के समाधि संघर्ष स्थल पहुंचे और ताऊ देवी लाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल को उनकी पुण्यतिथि पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। लिखा कि हरियाणा के निर्माता और माटी के लाल ताऊ देवीलाल को नमन।
इनेलो नेता अभय चौटाला ने ताऊ देवीलाल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। लिखा, किसान कमीरों के मसीहा, भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री, युग पुरुष और जननायक ताऊ देवीलाल को नमन। सिरसा के चौधरी देवीलाल टाउट पार्क में देश की स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। जेजीपी के कार्यकर्ता ने ताऊ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जेजीपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि ताऊ देवीलाल ने हमेशा गरीब, किसान और कमेरे वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ी है। उनके दिखाए गए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। करनाल में इनेलो की जिला इकाई ने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इनेलो जिलाध्यक्ष ने कहा कि चौधरी देवीलाल हर वर्ग के हितैषी थे। उन्होंने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर इनेलो चल रही है और आगे बढ़ रही है। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 445 मरीजों की जान चली गई। 50,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए केस मिले। 155 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 26 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अब तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी, लेकिन ई पास लेना होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए मूवमेंट की छूट होगी। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को भी छूट दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। 24 घंटे में 3,548 नए केस मिले, तो वहीं 15 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को टीके से काबू करने के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बने टीकाकरण केंद्रों पर अब 24 घंटे टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश में कहा कि सभी अस्पतालों में बने एक तिहाई टीकाकरण केंद्र रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक संचालित किए जाएंगे। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा मरीज मिले। 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब एक्टिव केस 13,000 से ज्यादा है। चरखी दादरी के आईटीआई में टीचर के कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। प्रशासन ने एहतियातन बरतते हुए आईटीआई को 3 दिन के लिए बंद कर दिया। जिले में एक दिन में 7 नए मरीज सामने आए, जिसमें आईटीआई का एक टीचर भी शामिल है। पॉजिटिव टीचर के संपर्क में आने वाले छात्रों के सैंपल लिए गए और परिसर को सैनिटाइज किया गया। कुरुक्षेत्र में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। बसों में बिना मास्क के लोग यात्रा करते दिखे। इस दौरान यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं की। डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि लापरवाही के कारण कोरोना एक बार फिर चरम पर है। रोजाना नए केस मिल रहे हैं। लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। फरीदाबाद में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिविल अस्पताल के सीएमओ ने बताया कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लगातार वैक्सीनेशन का काम जारी है। अब तक लगभग 2,00,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सीएमओ ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि जल्द ही जल्द 6,00,000 तक पहुंचे। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई है। लोगों से अपील है कि वो कोरोना नियमों का पालन करें। मंडियों में सरकार ने एसएमएस सिस्टम बंद कर रजिस्टर्ड किसानों से सीधे फसल खरीदनी शुरू कर दी है, जिसके बाद यमुनानगर की मंडियों में रौनक देखने को मिली। सरकार के फैसले का आढ़तियों और किसानों ने स्वागत किया।
फरीदाबाद में हवलदार पैरा कमांडो पूरे 20 साल तक भारत माता की रक्षा कर रिटायर्ड होकर अपने गांव पहुंचा, जहां लोगों ने उनका फूल मालाओं और जोरदार स्वागत किया। हवलदार पैरा कमांडो ने सरकार से अपील की कि वो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा देश सेवा करने का मौका दे, ताकि युवाओं का देश सेवा का भाव व्यर्थ न जाए। फरीदाबाद में नगर निगम प्रशासन की लापरवाही से परेशान पर्वतीय कॉलोनी के लोग अपना घर बेचकर दूसरी जगह जाने की तैयारी में हैं। लोगों ने घरों के बाहर मकान बिकाऊ होने का पोस्टर चस्पा दिया है। पर्वतीय कॉलोनी की कई गलियों में सीवर का पानी सड़कों पर जमा रहता है। डेढ़ महीने से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। सेन ने लोगों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। पंचकुला में एसएपी ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सके। एसएपी ने कहा कि ज्यादातर सड़क हादसों में उन दो पहिया वाहन चालकों की मौत होती है जो बिना हेलमेट के ड्राइविंग करते हैं। एसएपी ने लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की। नवंबर में होने जा रहे खेलो इंडिया टूर्नामेंट की मेजबानी इस बार हरियाणा को मिली है। गृह मंत्री अनिल विज के हल्के में 171 करोड़ 84 लाख रुपए के लागत से खेल के मैदान तैयार किए जा रहे हैं। इसमें वॉर हीरोज स्टेडियम मेमोरियल मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। मेमोरियल स्टेडियम में सबसे पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें 3,750 ऑडियंस के बैठने की कैपेसिटी है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने बताया कि अंबाला छावनी के बो इलाके में हॉकी ग्राउंड बनाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने 30 लाख रुपए डोनेट किए हैं। ग्राउंड को उच्च स्तर का बनाने के लिए वो सरकार को पत्र लिखेंगे। छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों को अंबाला में पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व सैनिकों ने नक्सलवादियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पूर्व सैनिकों ने कहा कि नक्सलवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, ये देशद्रोही हैं और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कुचलने का काम किया जाए। फरीदाबाद में गांव मुजेंडी में कार्यवाहक सरपंच ने बड़ा कारनामा किया। सरपंच ने करीब 20 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट कर दी, जबकि काम अभी भी आधा हुआ है। आरोप है कि गांव में बनाई गई वाटिका और सरोवर का काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन पूरी पेमेंट कर दी गई। इसके अलावा जहां लेंटर की जरूरत थी वहां भी लेंटर डाले गए। फतेहाबाद में वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी की शिकायत पर मामले में पुलिस ने 3 पूर्व एसडीएम, 2 क्लर्क सहित 8 लोगों पर धोखाधड़ी सहित कई मामलों में मुकदमा दर्ज किया। उपमंडल अधिकारी वाहन पंजीकरण अधिकारी फतेहाबाद में फर्जी दस्तावेज तैयार करके बाकी जिलों और राज्यों के रिहायशी मालिकों के नाम वाहन पंजीकरण करते थे। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में आढ़ती को बदमाशों के गोली मारने के विरोध में आढ़तियों ने रोष जाहिर किया। कहा कि अगर 2 दिन में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया तो वे मंडी को बंद कर देंगे। बीते दिनों बदमाशों ने आढ़ती पर गोलियां बरसा दी थी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया था, लेकिन अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए। पानीपत में दहेज के लोभ में ससुराल वालों ने युवती को प्रताड़ित किया और उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। समझौते के लिए मायका पक्ष को थाने में बुलाकर मारपीट की गई। अंसल की रहने वाली युवती को शादी 3.5 साल पहले कुंडली में हुई थी। युवती को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। भिवानी के गांव सुई में महिला को पीटने का मामला सामने आया। महिला के दोनों बेटे आर्मी में तैनात हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में गली में सफाई को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद एक पक्ष ने महिला की पिटाई कर दी। न्याय की मांग करते हुए बुजुर्ग महिला बेटों के साथ एसपी के दफ्तर पहुंची और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रदेश में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रजिस्ट्री कार्यालय में छापेमारी कर रिकॉर्ड खंगाला तो ऑफलाइन रजिस्ट्री के कई मामले सामने आए।
प्रदेश में ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऑफलाइन रजिस्ट्री की गई थी। सीएम फ्लाइंग इंचार्ज ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच चल रही है, जल्द दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिरसा के गांव लकड़ा बाली में बैंक प्रबंधक और उप प्रबंधक का कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने दोनों को 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बैंक में पहुंचकर जानकारी जुटाई। पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। रादौर बस स्टैंड के बाथरूम में बंद मिले दो युवकों में से एक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शुरुआती जांच में मामला नशे की ओवरडोज का लग रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक का साथी नशे की हालत में था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक युवक की जेब से नशीले टीके बरामद हुए हैं, जबकि दूसरा युवक अभी कुछ कहने की हालत में नहीं है। करनाल में इंद्री रोड पर सड़क दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला देवर के साथ पानीपत अपने मायके जा रही थी, रास्ते में उनकी बाइक की टक्कर हो गई। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सांसद नायब सैनी का विरोध किया। धक्का मुक्की में सांसद की गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। सांसद नायब सैनी कार्यकर्ता के घर पर पार्टी का झंडा फहराने गए थे, जिसकी सूचना लगते ही किसान मौके पर इकट्ठा हो गए और सांसद का विरोध किया। फसल पंजीकरण में आ रही दिक्कतों के चलते जाखल में किसान संघर्ष समिति ब्लॉक के किसानों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और जल्द समस्या दूर करने की मांग की। किसानों का कहना है कि फसल पंजीकरण आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। नायब तहसीलदार ने इस बारे में जिला राजस्व अधिकारी से बात कर जल्द समाधान करने का भरोसा दिया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पुलिस ने जुगाड़ वाहन चालकों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों ऐसे वाहनों को जब्त किया है, जिन्हें इस्तेमाल कर लोडिंग का काम किया जाता था। शाहबाद हुड्डा चौकी के इंचार्ज ने बताया कि यातायात नियमों के मुताबिक ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन के पास अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लिंग जांच गिरोह का खुलासा करते हुए टीम ने महिला को काबू किया। इसके साथ ही दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। कैथल में होली के दिन संदिग्ध हालात में टैंक में डूबने से हुई शख्स की मौत मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सेक्टर 20 का रहने वाला युवक अपने साथियों के साथ नहाने गया था। मृतक के पिता को फोन करके बताया गया कि चिराग के साथ हादसा हो गया है, उसे शहर के निजी अस्पताल लाया गया है। आरोप है कि दोस्तों ने चिराग को गुमराह किया। पिता ने जब अस्पताल में बेटे को देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया कि उनकी बेटे की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है। शक जताया जा रहा है कि उसके दोस्तों ने किसी रंजिश के चलते हत्या की है। रेवाड़ी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी ने बाइक चोरी की 8 वारदातों को कबूला। सोहना के 3 गांव में लगी आग में 14 एकड़ जमीन में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आगजनी में किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों ने बताया कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। विभाग के तार काफी ढीले हैं, जिसके कारण तेज हवा के चलते ही स्पार्किंग हो जाती है। रतिया में शॉर्ट सर्किट के कारण खेतों में आग लग गई। आग लगती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में अचानक एक घर में आग लग गई। परिवार के लोग घर में सो रहे थे, घर में धुआं उठता देख परिवार के लोग घबरा गए और पुलिस को फोन कर बुलाया। परिवार वाले अपनी जान बचाने के लिए छत पर जा पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में आग फैलती देख जान की परवाह न करते हुए घर में घुसकर परिवार के सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला। परिवार के लोगों की माने तो घर में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और परिवार के सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कैब का इंतजार कर रही दो युवतियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवतियों को नशे में धुत युवकों ने परेशान किया।
युवतियों ने युवकों को काफी समझाया लेकिन नशे में धुत युवक कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। युवतियों ने पुलिस को कॉल कर दो युवकों के खिलाफ शिकायत दी। बताया कि मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ के एक सीआरपीएफ जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पैतृक गांव में सैनिक सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद सैनिक अपने परिवार का इकलौता बेटा था। कुछ दिनों पहले टिकरी बॉर्डर के पास किसान आंदोलन में पंजाब के किसान हाकम की हत्या हुई थी जिसका खुलासा पुलिस की जांच में हुआ। मामले में पुलिस ने उसके साथी कुलवंत को काबू किया। कुलवंत के अलावा पुलिस ने उसकी प्रेमिका करमजीत कौर जो कि मृतक किसान की भाभी लगती है उसको भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध के कारण हत्या की गई थी। फरीदाबाद के आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया में एक शख्स हाईटेंशन तारों की चपेट में आ गया जिसके कारण वो बुरी तरह से जल गया। पलवल के गांव होशंगाबाद के अतर सिंह ने दिल्ली के पंजाबी बाग में आयोजित 19वीं दिल्ली स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 5 मुकाबलों को जीता और फाइनल मुकाबला भी जीतकर पहला स्थान हासिल किया।